दोस्तों, सबसे पहली जो टॉक्सिक चीज है जिससे आपको बचना चाहिए खाने से, वो है ग्रीन पोटैटो या हरा आलू। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है क्लोरोफिल और दूसरा होता है सोलेनिस। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज है, इसको आप आसानी से खा सकते हैं, इसके खाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सोलेनिस जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिक के तौर पर काम करता है। ये न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि आपकी नसों और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये पॉइजन की तरह काम करता है, और अगर आपने इसकी ज्यादा मात्रा खा ली तो आपको नौजिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, इस तरह के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ सर दर्द और एक्सट्रीम केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो ये आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करने लगता है, और मरीज को पैरालिसिस हो सकता है, मरीज कोमा में जा सकता है, इवन मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप आलू खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हरा आलू ना लें, और खाने में हरे आलू का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास हरा आलू आ भी जाता है तो इसको फेंक दें ऐसी जगह कि इसको कोई जानवर भी ना खाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आलू में हरा रंग होता है, थोड़ा भाग और थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, तो आप हरा भाग काट के निकाल सकते हैं, जो बाकी नॉर्मल भाग है उसको खा सकते हैं, उसको खाने में कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, जो दूसरी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए या उसका इस्तेमाल आपको ठीक तरीके से आना चाहिए, वो है नटमेग, या जिसको जायफल के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान के हर घर में जायफल मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन अगर जायफल की ज्यादा मात्रा खा ली जाए तो ये एक टॉक्सिक के तौर पे या पॉइजन के तौर पे काम करता है, इसलिए आपको इसके इस्तेमाल करने का या यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, जायफल के अंदर एल्मिसिन और मायरिसिटिन नाम के दो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बना देते हैं मेटाबॉलिज्म होने के बाद, और ये जो नया कंपाउंड है ये न्यूरोटॉक्सिक के तौर पे काम करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने जायफल की कितनी क्वांटिटी खाई है, कितनी मात्रा में आपने जायफल इस्तेमाल किया है। अगर आपने जायफल की मात्रा उसकी रिकमेंडेड डोज से ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो ये जो सब्सटेंस है ये एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक के तौर पर काम करता है, जिसके कारण आपका इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मरीज को नौजिया, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, सर दर्द, शरीर में कंपन, चेस्ट में खिंचाव, इस तरह के लक्षण आने शुरू होते हैं। और जब इसकी टॉक्सिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है तो मरीज को हेलुसिनेशन हो जाता है, यानी कि मरीज को ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रहा हूं, उसके अंदर एक डर, एक फियर होने लगता है, उसको मौत का डरने लगने लगता है, मरीज के कानों में एक घंटियां सी बजने लगती है, और उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथ पैर कट गए हैं। और ये सिम्टम्स उस तरह से बढ़ जाते हैं कि वो बिल्कुल उसको पागलपन का सा दौरा पड़ने लगता है, और एक लेवल पे आके मरीज की डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, नटमेग टॉक्सिसिटी या जायफल टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से मैं एक की स्टडी आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ। एक 17 साल की लड़की ने करीब 50 ग्राम जायफल का पाउडर दूध में मिला के मिल्क शेक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर लिया, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो ऊपर हमने लक्षणों की बात की थी वो सारे उसके लक्षण डेवलप होने लगे, और ये मरीज बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो समय रहते उसका इलाज हुआ और उसकी जान तो बच गई, और बाद में पता लगा कि जो इसको लक्षण आए थे ये जायफल की टॉक्सिसिटी के कारण हुए थे। हालांकि जायफल की थोड़ी मात्रा मेडिसिन के तौर पे भी काम करती है, उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको कितनी मात्रा में खाना है। जायफल को कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जितना घर में मसाले में जायफल डलता है वो बिल्कुल ठीक है, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये कार्डियोटोनिक के तौर पर काम करता है, आपकी नर्व्स को ताकत भी देता है, लेकिन अगर इसकी डोज ज्यादा हो जाए तो फिर ये आपको उतना ही बड़ा नुकसान भी कर सकता है। और जो लोग ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक यूनानी प्रिपरेशंस में जायफल यूज होता है, जावित्री यूज होता है, तो अगर आपको जायफल किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप रिकमेंडेड डोज का ही इस्तेमाल करें, ये सोच के कि ये तो मसाला है, उसकी डोज ज्यादा ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये आपका भ्रम है, इसलिए आप जायफल की रिकमेंडेड डोज का इस्तेमाल करें। और जो दोस्तों तीसरी टॉक्सिक चीज होती है वो होते हैं बादाम, लेकिन मीठे बादाम नहीं, कड़वे बादाम, बिटर आलमंड जो है वो टॉक्सिक होते हैं और इसके अंदर पॉइजन होता है। लेकिन जो मार्केट में आपको बादाम मिलते हैं वो स्वीट आलमंड होते हैं, मीठे बादाम होते हैं, और उनके खाने में कोई नुकसान नहीं है, उसके अंदर कोई टॉक्सिक नहीं होता है। बिटर आलमंड्स के अंदर या कड़वे बादाम के अंदर जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से जानते हैं, और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पोटेंट और खतरनाक जो पॉइजन होता है वो साइनाइड ही होता है। तो इसलिए आप अगर बादाम खा रहे हैं, कभी आपके मुंह में कड़वा बादाम आ जाता है तो उसको फौरन मुंह से निकाल दें और उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई 6 से 7 कड़वे बादाम एक साथ खा लेता है तो ये
इसकी टॉक्सिसिटी के लिए काफ़ी है और मरीज को इसकी पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं, मरीज को सरदर्द होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, पेट खराब हो जाता है और कुछ उसके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स आने लगते हैं। इसलिए आप कड़वे बादाम कभी भी ना खाएं और बादाम ऐसी जगह से खरीदें जहाँ आपको अच्छे अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे मीठे बादाम मिलते हैं, जहाँ पे मिलावट ना हो। और दोस्तों, जो चौथी चीज़ है खाने की जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, वो है अनकुक्ड रेड बीन्स, किडनी बीन्स। अगर आपका राजमा कच्चा पका हुआ है, पूरी तरीके से नहीं पका है, अध पका है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक्चुअली राजमा के अंदर एक लेक्टिन नाम का एक्टिव केमिकल होता है जो एक तरह से पॉइजनस होता है, और जब कच्चा राजमा होता है या अध पका राजमा होता है, ये जो लेक्टिन केमिकल है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर राजमा को पूरी तरीके से पका लिया जाए तो ये जो लेक्टिन केमिकल है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये नहीं बचता है राजमा के अंदर। मगर अगर आपने कच्चा राजमा खा लिया तो ये आपको टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा है, और इसके जो टॉक्सिसिटी के लक्षण हैं जैसे पेट दर्द होना, जी मताना, उल्टी आना, पेट खराब हो जाना, इस तरह के जो है राजमा की टॉक्सिसिटी या लेक्टिन जो केमिकल है उसकी टॉक्सिसिटी के लक्षण होता है। तो कभी भी कच्चा राजमा ना खाएं, अध पका राजमा ना खाएं, उसको पूरा अच्छे से गला के पका के तभी इस्तेमाल करें, तो आपको उसके फायदे मिल पाएंगे। स्टडीज़ के मुताबिक अगर कोई इंसान 6 से 7 कच्चे राजमा खा लेता है या अध पके राजमे खा लेता है तो वो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए काफ़ी है या इसके टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स आने के लिए काफ़ी है, और एक्सट्रीम केसेस में इससे जान भी जा सकती है। तो कोशिश करें आप जब भी राजमा खाने का प्लान कर रहे हैं तो राजमे को कम से कम 2 घंटे पानी में भिगो के रख दें, और फिर इसको इस पानी से निकाल के उतनी देर तक पकाएं कि अच्छे से गल जाए, और तभी आप राजमा खाएं। और जो दोस्तों पांचवी चीज़ है जिसको आपको ध्यान से खाना चाहिए, वो होता है ब्राउन राइस। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे, अरे राइस तो हर कोई खाता है, ब्राउन राइस के खाने में कौन सी दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से खाया जाए तो इससे नुकसान हो सकता है। एक्चुअल में जितने भी तरह के राइस होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है, और उसका कारण होता है खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, और अगर ज़मीन के अंदर भी आर्सेनिक की मात्रा होती है तो जो धान का पौधा है वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये आपके चावल के अंदर आ जाता है। अगर लगातार थोड़ा थोड़ा आर्सेनिक बॉडी के हमारे अंदर जाता है तो ये शरीर के अंदर जमने लगता है। शुरू में कोई लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये लगातार इस्तेमाल किया जाए या लगातार आर्सेनिक के डिपॉजिट्स हमारे शरीर में होते रहे तो ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर डेवलप हो सकता है और भी ये दूसरी बोन मैरो से रिलेटेड बीमारियां पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं कि फिर इस तरीके से तो हमें चावल खाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, आप चावल खा सकते हैं। उसको खाने का तरीका सिर्फ यही है कि एक तो कंपेरेटिवली जो ब्राउन राइस में है वो आर्सेनिक की मात्रा थोड़ी दूसरे चावलों से ज़्यादा होती है, तो जब भी आप ब्राउन राइस खाते हैं उनको 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में धो के रखें, साफ पानी में जो आप पीने का पानी होता है, फिर उसको इस पानी से निकाल लें और फिर साफ पानी में इन चावल को अच्छे से पका लें। थोड़ा पानी ज़्यादा रखें और इसको उतारने के बाद जो उसका मांड है, जो ऊपर का पानी है, उसको हटा दें, फिर बाकी जो चावल बचे आप उसको बिना डर के खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आई एम वेरी श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।